ये ड्रॉप डालते से मेरे बम का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, जिससे मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। कभी एक ब्लास्ट होता है, लगता है फॉर्मूला गलत हो गया। जाओ, जाके इंडियन साइंटिस्ट को किडनैप करके लेके आओ, वो मेरा फॉर्मूला सही करके देंगे। वहीं दूसरी तरफ मेहुल को कॉल आता है। सर, मैं अथर्व बोल रहा हूँ, मेरी वाइफ गीता किडनैप हो गई है, प्लीज जल्दी आइए। मेहुल तुरंत अथर्व के घर पहुँच जाता है। तब अथर्व उसे बताता है कि मेरी वाइफ एक साइंटिस्ट है, एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए उसको कॉल आया था। कल उसने अपना मेडिकल चेकअप कराया और आज सुबह ठीक 8 बजे अपनी कार लेके निकल गई। जब मैंने कॉल किया तो वो पुराने वाले हाईवे के पास थी, लेकिन उसके बाद उसका फोन ही नहीं लग रहा है। आपकी वाइफ को कौन सी लैब से फोन आया था? सर, कोई तो सीमा लैब थी, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मेरी कार लेके गई थी। उसके बाद मेरी कार यूज नहीं हुई। मेरे पास कार की पहले और बाद 10 किलोमीटर का डिफरेंस है, मतलब गीता 5 किलोमीटर गई और 5 किलोमीटर वापस आई। मतलब कोई तो लैब है जो 5 किलोमीटर के अराउंड है, गीता वहीं गई होगी। मेहुल तुरंत आसपास के 5 किलोमीटर वाले लैब्स का पता करता है, तो उसे 3 लैब्स मिलते हैं, सीमा साइंस लैब्स, नरसिम्हा मैथ लैब्स और सीमोन मेडिकल लैब। क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन सी लैब हो सकती है? ऑब्वियस है, पहली दोनों तो मैथ और साइंस लैब है, ब्लड टेस्ट वहाँ कैसे होगा, मतलब टेस्ट सीमोन मेडिकल लैब में हुआ है। मेहुल पहले अथर्व के साथ पुराने वाले हाईवे पे निकल जाता है। उन्हें रास्ते में गीता की कार मिल जाती है। वो अंदर जाके देखते हैं तो अंदर गीता नहीं होती है। वहाँ गाड़ी में उन्हें गीता का पर्स दिखता है। मेहुल पर्स खोल के देखता है तो उसमें पैसे और क्रेडिट कार्ड रहते हैं। मेहुल सोचने लगता है ये किडनैपिंग पैसों के लिए तो नहीं हुई है, तो फिर किसके लिए हुई है? वहीं साइड में उसे दूसरी गाड़ी के टायरों के निशान दिखते हैं। मेहुल उन निशान को फॉलो करता है तो देखता है कि वो जंगल की तरफ जा रहे हैं। जरूर ये गाड़ी इस जंगल में गई है और इसी ने गीता की किडनैपिंग की है, लेकिन इतने बड़े जंगल में ढूंढेंगे कैसे, बहुत मुश्किल है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर गणपत पहुँचता है और बताता है कि इस तरह के 5 केसेस और हुए हैं और वो भी सब साइंटिस्ट थे, पर अभी तक उनका भी कोई पता नहीं चला है। उन्हें भी सीमोन लैब से फोन आया था मेडिकल चेकअप के लिए। जरूर इस सीमोन लैब में कुछ गड़बड़ है, यहाँ कोई क्लू तो जरूर मिलेगा, चलो सीमोन लैब चलो। मेहुल और इंस्पेक्टर गणपत सीमोन लैब पहुंच जाते हैं। लैब में 3 लोग काम करते हैं। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। पहला कहता है, सर मैं तो यहाँ 3 साल से काम कर रहा हूँ, कल टेस्टिंग के लिए ब्लड सैंपल्स मैंने ही लिए थे और इंजेक्शंस भी मैंने ही दिए थे। इंजेक्शंस? कैसे इंजेक्शंस? सर ऑर्डर आए थे कि कुछ लोग यहाँ मेडिकल चेकअप के लिए आएंगे, उन्हें विटामिन्स के इंजेक्शंस देने हैं और ब्लड सैंपल्स लेने हैं। दूसरा कहता है, सर मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, मैंने बस कल विटामिन्स के इंजेक्शन लाके पहले वाले को दे दिए थे। तीसरा कहता है, सर ऑर्डर मैंने ही लिया था इंजेक्शंस देने का और एडवांस भी हमारे बैंक अकाउंट में NEFT से आ गया था। मेहुल तीनों के आईडी कार्ड चेक करता है। पहला आईडी कार्ड, दूसरा आईडी कार्ड, तीसरा आईडी कार्ड। मेहुल तीनों की बातें सुनके और आईडी कार्ड देख के समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व्ड है। क्या आप बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। उस दूसरे वाले से कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम नकली हो, इंजेक्शंस में क्या मिलाया था जल्दी बताओ। सर सर मुझे कुछ नहीं पता है सर, मुझे इंजेक्शंस में मिलाने के लिए एक लिक्विड दिया था, मैंने उसे मिला दिया, मैंने पिछले हफ्ते ही ज्वाइन किया था इसी काम के लिए। किसने तुम्हें ये काम करने बोला था? सर मुझे बस कॉल्स आते थे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता है। मेहुल उससे नंबर लेता है और उस नंबर पे कॉल लगाता है, लेकिन नंबर स्विच्ड ऑफ आता है। मेहुल फिर तीसरे वाले से भी नंबर लेता है जिससे ऑर्डर्स आए थे, लेकिन वो नंबर भी स्विच्ड ऑफ आता है। अब सोचिए और मुझे बताएं, क्या कोई तरीका है? तीसरे वाले से कहता है, तुमने कहा था कि NEFT में पैसे आए हैं, मुझे भेजने वाले के अकाउंट डिटेल्स दो। मेहुल अकाउंट डिटेल्स ट्रैक करता है तो पता चलता है कि रमेश कनौजिया का बैंक अकाउंट है। मेहुल बैंक में फोन करके उसके घर का एड्रेस निकाल लेता है और तुरंत अपनी कार निकालता है और रमेश के घर निकल जाता है। मेहुल रमेश के घर पहुंच जाता है। मेहुल बहुत बेल बजाता है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता, दरवाजा लॉक्ड रहता है। क्या आप इस दरवाजे को देख के बता सकते हैं अंदर जाने का कोड क्या होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके। 2.25 है, मतलब सेकंड नंबर का स्क्वायर प्लस पहला नंबर आपको आंसर देगा, तो 2^2=4+1=5। वैसे ही सेकंड में 3^9+2=11, तो फाइनल वाले में तो कोड के लिए 5.6 है, तो कोड हो जाएगा 6^36+5।
41। मेहुल कोड 41 प्रेस करता है तो डोर खुल जाता है। मेहुल अंदर जाके देखता है तो कोई नहीं रहता, लेकिन जलने की स्मेल आ रही थी। मेहुल देखता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे आग लगा दी गई है। मेहुल उन्हें किसी तरह बुझा देता है। सारे डॉक्यूमेंट्स तो जल जाते हैं, लेकिन मेहुल को एक पेन ड्राइव मिलती है। मेहुल उसे अपने पास रख लेता है। फिर मेहुल पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिलता। फिर मेहुल पेन ड्राइव चेक करता है तो उसे उसमें 12 लोगों का है और कुछ नाम मिसिंग साइंटिस्ट के भी है। मेहुल समझ जाता है कि ये वही लिस्ट है जिनकी किडनैपिंग हुई है और जिनकी किडनैपिंग होने वाली है। मेहुल बचे हुए साइंटिस्ट को फोन लगाता है और उन्हें कहता है, अगर आपको भी कोई कॉल आए रिसर्च के लिए तो आप तुरंत मुझे कॉल कीजिए। और मेहुल अपने ऑफिस चला जाता है। मेहुल को शाम को साइंटिस्ट राजन का फोन आता है। सर, मुझे एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कॉल आया है और कल ओल्ड हाईवे के पास बुलाया है। मेहुल तुरंत राजन के घर पहुंच जाता है और एक प्लान बनाता है। राजन की जगह मेहुल खुद राजन बन जाता है। कल मैं जाऊंगा आपकी जगह वहाँ उन लोगों को पकड़ने के लिए। अगले दिन सुबह मेहुल गाड़ी लेके निकल जाता है ओल्ड हाईवे की तरफ। थोड़ी देर बाद मेहुल की कार पंचर हो जाती है, जैसे किसी ने जानबूझ के मेहुल की कार पंचर करने के लिए रास्ते में जाल बिछाया हो। मेहुल कार को साइड में रोक लेता है। तभी पीछे से एक कार आती है और मेहुल के पास आके रुक जाती है। मेहुल उनसे मदद मांगने के लिए नीचे उतरता है। तभी कोई पीछे से मेहुल को बेहोश कर देता है। मेहुल की जब आंखें खुलती है तो वह एक रूम में बंद होता है और उसके साथ बाकी साइंटिस्ट और गीता भी रहते हैं। मेहुल उनको देख बड़ा खुश हो जाता है और उन्हें बताता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ और आप लोग को बचाने आया हूँ। मेहुल को रूम के पीछे एक दरवाजा दिखता है, लेकिन वो लॉक्ड रहता है। मेहुल रूम में देखता है तो उसे एक कोड का हिंट मिल जाता है। क्या आप इस वॉल के हिंट को देख के बता सकते हैं डोर का कोड क्या होगा? उनके रिफ्लेक्शन इमेज से जुड़े हुए हैं। अगर आप उनको अलग अलग कर देंगे तो आपको 372 मिल जाएंगे। मेहुल कोड 372 प्रेस करता है और डोर खुल जाता है। मेहुल साइंटिस्ट को लेके वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जंगल बड़ा और बहुत घना है। वहाँ से कैसे बाहर आएंगे मेहुल और साइंटिस्ट? और ये खबर पागल साइंटिस्ट तक भी पहुँच जाती है। मेहुल उनको लेके भाग गया, ये कैसे पॉसिबल है? मैं नहीं